हेलो दोस्तों दोस्तों हमारा यह नया चैनल है स्टडी इंडिया। यहाँ पर हम जीके का क्वेश्चन आंसर लाते हैं। अगर आप सरकारी एग्ज़ाम में रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम 100 जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच फॉर्मेट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज सेट अप इन, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1949। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 1946। ठीक है, 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो सेटअप किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब होते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड एनुअल। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी नागालैंड। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नागालैंड जो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल इस क्वेश्चन को SSC में दिखा गया था। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर थ्री पर। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विद गास्तो। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर जो होगा गणेश चतुर्थी कौन सी स्टेट में गास्तो नाम से मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई में। अब बताइए क्वेश्चन नंबर फोर पर। यहाँ पर पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट असामीज गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए रजनीकांत, ऑप्शन ए रंजीत शेखर मुसाहारी, ऑप्शन बी देवेंद्र कुंवर, ऑप्शन सी रंजन गगोई, ऑप्शन डी विष्णुराम मेधी। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी विष्णुराम मेधी। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पिछले साल रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो आया था। ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव पर। यहाँ पर पूछा गया है, फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद 5th प्रेसिडेंट था। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। यहाँ पर पूछा गया है, हु हैड डिजाइन द पैंग सिस्टम इन अहम किंगडम। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए मुमाई तमुली बरुआ, ऑप्शन बी प्रताप सिन्हा, ऑप्शन सी लसित बरफुकन, ऑप्शन डी चक्रपाणी बरबरुआ। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए मुमाई तमुली बरुआ। ठीक है, जो पैंग सिस्टम है वो किसने की थी उसका नाम क्या है, जिसने पाइन सिस्टम शुरुआत की थी उसका नाम क्या था, वो होगा मुमाई तामुली बुढ़वा। आउट है क्वेश्चन नंबर सेवन पर। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑन डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अंडर द BTD काउंसिल। ठीक है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो BTD काउंसिल में नहीं आता है। ऑप्शन ए कोकराझार, ऑप्शन बी बक्सा, ऑप्शन सी ग्वालपारा, ऑप्शन डी उदालगुरी। सही आंसर सब लोगों को मालूम है। ठीक है, कोकराझार ये BTD काउंसिल में नहीं आता है। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर एट पर। यहाँ पर पूछा गया है, विच फॉरेस्ट इज सिंगल हैंडली प्लानेड बाय जादव पाइन। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रांडिया फॉरेस्ट, ऑप्शन बी मलया फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ब्रोलिया फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी डिहिंग फॉरेस्ट। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी मलया फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आसाम पुलिस में लिखा गया था। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन पर। यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन माजुली इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट इन आसाम।
ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सितंबर 2016, ऑप्शन बी नवंबर 2016, ऑप्शन सी जनवरी 2017, ऑप्शन डी मार्च 2017। ठीक है, व्हेन माजुली इज फॉर्मली डिक्लेयर एज ए डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। ठीक है, माजुली को आसाम का डिस्ट्रिक्ट कौन सी ईयर में डिक्लेयर किया गया था? सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सितंबर 2016, ऑप्शन ए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों, आसाम पुलिस का जो एसआई का एग्जाम आ रहा है वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को आने का बहुत सारा संभावना हमें लगता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर, यहाँ पर पूछा गया है आसाम साहित्य सभा वॉज फाउंडेड इन द ईयर। ठीक है, आसाम साहित्य सभा कौन सी ईयर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1971। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1970, यानी कि 1917। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर, यहाँ पर भी पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, नदी है, उसके ऊपर कितने ब्रिज आते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 6 ब्रिज आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होता है बच्चे लोगों को, क्योंकि ये भी एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5 लिख कर आ जाएंगे, लेकिन 5 नहीं है। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन 6। ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट असामिस फिल्म जयमती वॉज रिलीज इन द ईयर। ठीक है, जो पहला असामिस फिल्म था जयमती, उसको कौन सी ईयर में रिलीज़ किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1937 एंड ऑप्शन डी 1938। सही आंसर जो होगा वो सब लोगों को मालूम ही है, क्योंकि ऑप्शन बी जो है 1935। ठीक है, 1935 को असामिस फिल्म जयमती रिलीज हुआ था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 पर, यहाँ पर पूछा गया है द आहोम दिवस इज सेलिब्रेट ऑन। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। ठीक है, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 पर, यहाँ पर हम लोग आते हैं आसाम पुलिस डे ऑब्जर्व ऑन। ठीक है, जो आसाम पुलिस डे मनाया जाता है वो कौन सी दिन में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 13 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 8 सितंबर एंड ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 अक्टूबर को आसाम पुलिस डे मनाया जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, आसाम पुलिस का जो एग्जाम आ रहा है, जेलर, एसआई, कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आने का बहुत संभावना है आसाम पुलिस डे का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 पर, यहाँ पर पूछा गया है हुइज डे सेलिब्रेटेड द नेशनल पुलिस डे। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सा दिन है जिस दिन को नेशनल पुलिस डे मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 21 नवंबर, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। अब बताए क्वेश्चन नंबर 60 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम आसाम जॉइन द फेमस डंडियन मार्च। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए नवीन चंद्र बरदलै, ऑप्शन बी कुलधर साइकिया, ऑप्शन बी तरुणराम फुकन, ऑप्शन डी लीलाधर बड़ुआ। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी लीलाधर बड़ुआ। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर 70 पर, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट असामीज टू कंपाइल ए डिक्शनरी नेम हेमकोश इज दिस। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए डिम्बेश्वर न्यू, ऑप्शन बी चंद्रधर बड़ुआ, ऑप्शन सी हेमचंद्र गोस्वामी, ऑप्शन डी हेमचंद्र बड़ुआ। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी हेमचंद्र बड़ुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। अब बताए क्वेश्चन नंबर 80 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया था? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बसु, ऑप्शन बी एम डी इकबाल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह जो है उसने ये स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। अब बताए क्वेश्चन नंबर 19 पर, यहाँ पर पूछा गया है आज़ाद हिंदू फौज और इंटरनेशनल आर्मी INA वॉज फाउंडेड बाई। ठीक है, आज़ाद हिंदू फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी किसने स्थापित किया था? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए सुभाष बसु, ऑप्शन बी राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन डी शाह नवाज। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, INA इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है,
जनरल मोहन सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट जूके क्वेश्चन है दोस्तों। आपके क्वेश्चन नंबर 20 पर यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट इंडिया टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सी आर दास। सही आंसर जो होगा वो होगा क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर पूछा गया है द मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स आर, ठीक है जो ब्रिक्स वहाँ का मेंबर कंट्रीज कौन कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए ब्रिटेन, रूसिया, आयरलैंड, कनाडा एंड स्वीडन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, रूसिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्रिटिश, रूसिया, इंडिया, चाइना एंड स्पेन। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश, रूसिया, इंडिया, चाइना एंड स्पेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज बेकिंग सोडा। ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम बिस्कार्बोनेट, सोडियम आइसोलेटेड, सोडियम बिस्कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी सोडियम बिस्कार्बोनेट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, यहाँ पर पूछा गया है 11 केवेस इज इन देश। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी सिक्किम। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है। 11 केवेस इज जो है वो महाराष्ट्र में है। अब आते क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडियन, ठीक है। नॉर्थ इंडियन का क्लासिकल डांस कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक एंड ऑप्शन डी कथकली। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी कथक, ठीक है। नॉर्थ इंडियन का जो क्लासिकल डांस है वो कथक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, यहाँ पर पूछा गया है रुक्मिणी देवी अरुणा डोलोई इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। रुक्मिणी डोलोई अरुणा डोलोई वो कौन सा यहाँ पर नीचे दिए गए नृत्य करते हैं, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी भरतनाट्यम, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुण डोले इस विथ क्या होगा, भरतनाट्यम होगा, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच स्टेट डज नॉट शेयर ए कॉमन बॉर्डर विथ हरियाणा, ठीक है। वो कौन सा देश है जो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती, कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं करती हरियाणा के साथ। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ठीक है। इस क्वेश्चन पे एसएससी का जो एग्जाम हुआ था क्लार्क का जो एग्जाम वहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 27 पर, यहाँ पर पूछा गया है सॉरी व्हिच प्लेनेट इज ऑल्सो रेफर टू आस ए डार्क प्लेनेट। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी सतुराम। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए प्लूटो, ठीक है। प्लूटो को डार्क प्लेनेट भी बोला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज फाउंडर इन 1828, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बसु, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी राजा राममोहन राय, ठीक है। राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज स्थापित किया था। अब बताए क्वेश्चन नंबर 29 पर, यहाँ पर पूछा गया है शाहजहां बिल ताजमहल इन मेमोरी ऑफ देश। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए रुकिया सुल्ताना बेगम, ऑप्शन बी जोधा भाई, ऑप्शन सी मुमताज महल, ऑप्शन डी नूर जहान। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, मुमताज महल। अब बताए क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए देवानंद, ऑप्शन बी राजेश खन्ना, ऑप्शन सी दिलीप कुमार, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी दिलीप कुमार, ठीक है। दिलीप कुमार को फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 31 पर, यहाँ पर पूछा गया है 1800 रिटन बाई डैश, ठीक है। 1800 किसने लिखा था। ऑप्शन ए सानिक, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी भास्कर वर्मन।
संयंत्र जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए स्थानिक क, 1803 बाइडिया स्थानिक क। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। आप बताए क्वेश्चन नंबर 23 पर, यह पर पूछा गया है दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन बी रेसलिंग, ऑप्शन सी बॉक्सिंग एंड ऑप्शन डी स्विमिंग। संयंत्र जो होगा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ आर्चरी। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 33 पर, यहाँ पर पूछा गया है मयूरन डेस्टिनी वॉज फाउंडेड बाई, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मयूर, अशोक, पूजामित्रा, ऑप्शन डी अजस्थारा। अजस्थारा संयंत्र जो होगा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी अशोक। ठीक है, मयूर डेस्टिनी वॉज फाउंडेड बाई डैश, संयंत्र जो होगा होगा अशोक। आप बताए क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, ठीक है, वॉज फाउट बिटवीन डैश बाबर एंड दौलत खान, ऑप्शन बी बाबर एंड इब्राहिम लोदिया, ऑप्शन सी बाबर एंड आलम खान, ऑप्शन डी बाबर एंड राणा संगा। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी बाबर एंड इब्राहिम लोदिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है दोस्तों, वो क्वेश्चन ऐसा होगा इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, वो कौन सा ईयर था जो जिस ईयर पर पानीपत का युद्ध हुआ था, वो होगा ये होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होगा 1526। ठीक है, 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 35 पर, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा मेंबरशिप। ठीक है, वो कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन था जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी नवजोत सिंह सिद्धू। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, हम सब लोगों का प्यारा क्रिकेटर है। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 36 पर, यहाँ पर पूछा गया है दूरदर्शन फाउंडेड इन द ईयर। ठीक है, दूरदर्शन जो है वो कौन सी ईयर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1952 एंड ऑप्शन डी 1959। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी 1959 को दूरदर्शन स्थापित हुआ था। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 37 पर, यहाँ पर पूछा गया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज जल्लीकट्टू एसोसिएटेड। जल्लीकट्टू एसोसिएटेड, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए ओनाम, ऑप्शन बी पंगल, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन सी शिवरात्रि। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पंगल, पंगल। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 38 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु इज द फाउंडर ऑफ द आसाम इज डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर द आसाम ट्रिब्यूनल। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ आसाम इज डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर द आसाम ट्रिब्यूनल। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्रफुल्ल गोविंद बरुआ, ऑप्शन सी राधा गोविंद बरुआ, ऑप्शन सी शिवा प्रसाद बोरा, ऑप्शन सी डी धीरेन्द्रनाथ बिजबुरा। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, ठीक है, राधा गोविंद बरुआ। आप बताए क्वेश्चन नंबर 39 पर, यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग व्हिच अहोम किंग रीजन द सरायघाट बैटल वॉज इंडेड विथ डिसिप विन ओवर मुगल। ऑप्शन ए फक्रोद्ध सिंह, ऑप्शन बी उदयादित्य सिंह, ऑप्शन सी जयाजोत सिंह, ऑप्शन डी प्रताप सिंह। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी उदयादित्य सिंह। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 40 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असमीज ट्रांसलेटर ऑफ द रामायण। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए राम सरस्वती, ऑप्शन बी माधव कंदलिया, ऑप्शन सी अनंत कंदलिया, ऑप्शन डी शंकरदेव। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी माधव कंदली। माधव कंदली ने पहली बार रामायण को असमिस में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 41 पर, लाचित दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, यहाँ पर 13 जून, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी 24 नवंबर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी 24 नवंबर। ठीक है, 24 नवंबर। आप बताए क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर पूछा गया है बक्सा डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बरपेटा नलबारी एंड कामरूप, ऑप्शन बी ग्वालपरा एंड कोकराझार, ऑप्शन सी बंगाईगांव एंड कोकराझार, ऑप्शन डी दरंग एंड बरपेटा एंड कामरूप। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए बरपेटा नलबारी एंड कामरूप। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 43 पर, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम इन आसाम। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए
गढ़गांव, ऑप्शन बी सरायदेव, ऑप्शन सी जोरहाट, ऑप्शन डी शिवसागर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सरायदेव, सरायदेव में अहोम ने पहली बार राजधानी स्थापित किया था, यानी कि कैपिटल स्थापित किया था, ठीक है। आप बताए क्वेश्चन नंबर 44 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच वाइल्ड सेक्टर ऑफ आसाम बूस्ट ऑफ द गोल्डन लैंग्वेज। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पानीडिहिंग, ऑप्शन बी पवित्रा, ऑप्शन सी लाओखुआ, ऑप्शन बी सर्कशिला, चक्रशिला, सर्कशिला, चक्रशिला, सॉरी सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी चक्रशिला, ठीक है। आप बताए क्वेश्चन नंबर 45 पर, यहाँ पर पूछा गया है सियांग जॉइन बाय लोहित एंड निबंग मिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जिया फराली, ऑप्शन बी दिखो, ऑप्शन सी सोन सिरी एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, सॉरी डी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ऑप्शन बी डी ब्रह्मपुत्र। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर पूछा गया है द दादर अली इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए रुद्र सिंह, ऑप्शन बी गदर सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह एंड ऑप्शन डी शिवा सिंह। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी गदर सिंह। आप बताए क्वेश्चन नंबर 47 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कृष्णकांत संधि गोय, ऑप्शन बी हेमचंद्र गोस्वामी, ऑप्शन सी पद्मनाथ गोहाई बड़ुआ, ऑप्शन डी रजनीकांत बरदले। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए कृष्णकांत संधि गोय। आप बताए क्वेश्चन नंबर 48 पर, यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन आसाम, ठीक है, आसाम में कुल कितने नेशनल पार्क है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 4। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 5 नेशनल पार्क है, आसाम में 5 नेशनल पार्क है, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट कन्फेडरेशन ऑफ आसाम साहित्य सभा वाज हेल्ड एट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कामरूप, ऑप्शन बी शिवसागर, ऑप्शन बी सी बरपेटा एंड ऑप्शन डी धुबरी। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी शिवसागर, ठीक है। आसाम साहित्य सभा का जो पहला जो मीटिंग है यानी कि कन्फेडरेशन हुआ था, डिस्कस हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, शिवसागर में, ठीक है। आप बताए क्वेश्चन नंबर 50 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द डेस्ट इंडियन हैज नॉट वॉन ए नोबेल अवार्ड। वो कौन सा इंडियन था जो नोबेल अवार्ड नहीं जीता था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी सी वी रामा, ऑप्शन सी सत्यजीत राय, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सत्यजीत राय, ठीक है। आप बताए सत्यजीत राय। दोस्तों आज हम हमारे चैनल पर 100 जीके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास सही नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, बात समझ रहे हैं ना आप मेरी। इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। आप बताए क्वेश्चन नंबर 51 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द सेमिल फॉर्मूल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए AIN, ऑप्शन बी AI2N, ऑप्शन सी AIN2, ऑप्शन डी AIN2। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए AIN, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर पूछा गया है कम्युनल यूसेज एब्रिकेशन ISP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फ्रॉम। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब बताए क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर पूछा गया है गोमधर इज अ फॉल डांस ऑफ देश, सॉरी गोमर इज अ फॉल डांस, फोल्क फोल्क होने चाहिए डांस ऑफ देश, ठीक है। गोमर इज अ फॉल डांस ऑफ देश। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी राजस्थान। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी राजस्थान, ठीक है। गोमर जो डांस है वो राजस्थान पर किया जाता है। आप बताए क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर पूछा गया है यूरेनाइटेड इज एन ओरी ऑब्लिक मिनरल ऑफ डॉट डॉट डॉट। सही आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जिंस, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी इटूनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी यूरेनियम, ठीक है। यूरेनाइटेड इज एन ओरी ऑब्लिक मिनरल ऑफ देश, वो होगा ऑप्शन बी यूरेनियम, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर पूछा गया है नेम
इंडियंस ओल्डेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सीआईबीआईएल, ऑप्शन सी नाबार्ड एंड ऑप्शन डी यूटीआई। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सीआईबीआईएल, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर पूछा गया है पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ देश, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी ग्रीस। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए, ठीक है, फ्रांस। पेरिस का जो कैपिटल है वो क्या है, फ्रांस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। यहाँ पर पूछा गया है चंद्रगुप्त मयूर वॉज बोर्न इन पाटलिपुत्र व्हिच इज नाउ इन देश। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 58 पर। यहाँ पर पूछा गया है बेटल ऑफ कानाजू इन 1540 वाज फाउट बिटवीन श्री शाह एंड देश। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन सी ह्यूमिनियन, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी ह्यूमिनियन। आप बताए क्वेश्चन नंबर 59 पर। यहाँ पर पूछा गया है मैजिक मार्केट वॉज इन्फेस्टेड बाई डैश। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए एडप सेक्स, ऑप्शन बी एल्बर्ट ब्रूस साबिन, ऑप्शन सी सिडनी रोसेंटेल, ऑप्शन डी हमन गोरिस रिकोवर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सिडनी रोसेंटेल। मैजिक मार्केट जो है वो इन्वेस्ट करती है वो सिडनी रोसेंटेल पर। आप क्वेश्चन नंबर 60 पर। यहाँ पर पूछा गया है अपर फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए जेड, ऑप्शन बी बाउंडेंस, ऑप्शन सी आर्किमिडियल फोर्स, ऑप्शन डी एंटी ग्रेविटी। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी बाउंडेंस, ठीक है। आप बताए क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर पूछा गया है वोमेन हैव श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ डैश। ऑप्शन ए लो फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी श्रिल वॉइस, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग एपिगोलिट्स। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप बताए क्वेश्चन नंबर 62 पर। यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कमल नेहरू, ऑप्शन बी मदन बिकाजी काम, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू एंड ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। आप बताए क्वेश्चन नंबर 63 पर। यहाँ पर पूछा गया है द नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स लोकसभा ऑफ केरल इज देश। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 20, ठीक है। जो केरल का जो लोकसभा का सीट है वो कितने हैं वो पूछा गया था। सही आंसर जो होगा ऑप्शन 20। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो रेलवे का पिछले साल एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच स्पोर्ट इन ओलंपिक इंडिया हैज़ वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स, ठीक है। ओलंपिक गेम का वो कौन सा स्पोर्ट था जहाँ पर भारत ने यानी कि हमारा देश इंडिया ने मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी रेसलिंग, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी एथलेटिक्स। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी हॉकी, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर पूछा गया है द अपर पार्ट ऑफ द हेट्रोस्फीयर कंपोज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑफ व्हिच गैस। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच टाउन इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ आसाम। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जोरहाट, ऑप्शन बी सोलकोशी, ऑप्शन सी डिमा डिफू, ऑप्शन डी डिगबोई। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सोलकोशी, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर पूछा गया है द ट्रिटी यांडाबू वाज साइन इन द ईयर। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी 1826, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1832। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि 1826, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर पूछा गया है श्रीमंत शंकरदेव वॉज बोर्न इन द ईयर। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1366, ऑप्शन बी 1432, ऑप्शन सी 1449 एंड ऑप्शन डी 1456। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 1449। अब बताए क्वेश्चन नंबर 69 पर। यहाँ पर पूछा गया है
विच वन इज द फर्स्ट एसामिस नोवेल? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए मेरी थ्योरी, ऑप्शन बी पोडुम कोरी, ऑप्शन सी भानुमतेन, ऑप्शन डी सुधार उपन्यास, सुधार मार उपन्यास। ऑप्शन जो होगा होगा ऑप्शन सी भानुमती। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 74 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच डिस्ट्रिक्ट गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेक्टर इज लोकेटेड। ठीक है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेक्टर पड़ती है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए ग्वालपर, ऑप्शन बी शिवसागर, ऑप्शन सी कार्बी आंग, ऑप्शन डी डिब्रुगढ़। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी कार्बी आंग। कार्बी आंग में गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेक्टर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर पूछा गया है द लिटरेसी रेट ऑफ आसाम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 72.19%, ऑप्शन बी 72.58%, ऑप्शन सी 73.12%, ऑप्शन डी 72.98%। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए 72.19%। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 72 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन द अपोजिंग ऑफ पत्थर का ड्रोन टू प्लेस। ठीक है, वो कौन सा ईयर में पत्थर का ड्रोन हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1894 एंड ऑप्शन डी 1815। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 1894। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आसाम पुलिस में भी दो बार आया था, तो इस क्वेश्चन को हम हल्के में नहीं ले सकते। आप बताए क्वेश्चन नंबर 73 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी इन आसाम ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए विश्वनाथ मैदी, ऑप्शन बी गोपीनाथ बरदलै, ऑप्शन सी तरुणराम फुकन, ऑप्शन डी मणिराम देवान। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी तरुणराम फुकन। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर पूछा गया है द टेरिटोरियल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए धुबरी, ऑप्शन बी करीमगंज, ऑप्शन सी ग्वालपारा, ऑप्शन डी धेमाजी। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए धुबरी। तो टेरिटोरियल इंडस्ट्री है वो टेराकोटा, मैंने कुछ गलत बोल दिया था, टेराकोटा जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? वो धुबरी पर है, जो आसाम का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर पूछा गया है सुदिया फॉय गोहाई वाज ए देश। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी किंग, ऑप्शन सी फ्रंटियर ऑफिसर, ऑप्शन सी नेवल ऑफिसर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी नेवल ऑफिसर। आप बताए क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर पूछा गया है इन आसाम ए सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए नामेर रिजर्व फॉरेस्ट, ऑप्शन बी परसुकुंडा, ऑप्शन सी ऑरेंज वाइल्ड लाइफ सेक्टर, ऑप्शन डी मानस नेशनल पार्क। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए नामेर रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, यहाँ पर पूछा गया है कनकलता बरुआ बिकम ए मेट्रियर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडियन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, ऑप्शन सी ऑप्शन जो डी है वो स्वदेशी मूवमेंट। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी क्विट इंडियन मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कनकलता बरुआ कौन सी युद्ध लड़ाई में उनका कनकलता बरुआ बिकम मेटियर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट, वो कौन सा नेशनल मूवमेंट में कनकलता बरुआ डेथ हुआ था? सही आंसर होगा होगा ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट मूवमेंट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 78 पर, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए भानुआठिया, ऑप्शन बी ए आर रमन, ऑप्शन सी आईडो संदेगा, ऑप्शन डी मुलाय गोस्वामी। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए भानुआठिया। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रोविड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देश। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी यूके। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी कनाडा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर पूछा गया है अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेजेंट रूल प्रोमोगुलेटेड ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 316, ऑप्शन डी 370। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए 356। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइज ऑफ द कुंभ फेयर एट अलाहाबाद। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी
रुबो सिन्हा लाइव ऑप्शन सी नरसिम्हा वर्मन ऑप्शन डी अकबर सही आंसर होगा होगा ऑप्शन ए ठीक है हर्षवर्धन। और क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर पूछा गया है द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद हु इज द डेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 10th प्रेसिडेंट ऑप्शन बी 12th प्रेसिडेंट ऑप्शन सी 14th प्रेसिडेंट ऑप्शन डी 24th प्रेसिडेंट सही आंसर होगा होगा ऑप्शन सी ठीक है 14th प्रेसिडेंट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी यूनाइटेड पावर सॉल्यूशन यूनिटर रिपीटेड पावर सप्लाई यूनाइटेड पावर सप्लाई एंड यूनिट प्रोग्राम सॉल्यूशन सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी यूनिटर रिपीटेड पावर सप्लाई ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर पूछा गया है रेड प्लस ब्लू ब्लू प्लस ग्रीन क्या होगा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए व्हाइट ऑप्शन बी ऑरेंज ऑप्शन सी येलो एंड ऑप्शन डी ब्लैक सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं यहाँ पर पूछा गया है व्हिच प्लेस इन व्हिच प्लेस एस्टाब्लिश WWFI हेडक्वार्टर्स ऑप्शन ए न्यू दिल्ली ऑप्शन बी मुंबई ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी कोलकाता सही आंसर होगा होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली ठीक है। अब होता है क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर एस्टाब्लिश सेबी वो कौन से ईयर में सेबी सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा फिर भी मैं एक बार कह देता हूँ सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है। वो कौन से ईयर में स्थापित हुआ था ये सवाल यहाँ पर आया था वो स्थापित हुआ था 1992 पर ठीक है 12 अप्रैल 1992। अब तक क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन बिगेस्ट प्राइवेट बैंक इंडिया का कौन सा प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक ऑप्शन बी HDFC बैंक ऑप्शन सी बंधन बैंक एंड ऑप्शन डी येस बैंक सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी HDFC ठीक है। अब बताया क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर पूछा गया है सॉरी यहाँ पर पूछा गया है और तो फुल फॉर्म ऑफ रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है रिस्क एंड एनालिसिस विंग ऑप्शन बी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑप्शन सी रिसर्च एंड एनालिसिस रॉन्ग ऑप्शन डी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सही आंसर होगा होगा ऑप्शन बी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ठीक है। अब बताया क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज एस्टाब्लिश रॉ वो कौन सा ईयर में रॉ एस्टाब्लिश यानी स्थापित किया गया था ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1916 ऑप्शन बी 1966 ऑप्शन सी 1968 एंड ऑप्शन डी 1969 सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी 1968 को रॉ स्थापित किया गया था। अब बताए क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO ठीक है DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी डिफेंस रेवेन्यू एंड डीलिंग ऑफिस ऑप्शन सी डिफेंस रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन डी डिफेंस रिसर्च एंड डाइजेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है जो जो लोग DRDO का जो रिटर्न एग्जाम होता है वहाँ पर जिस लोगों ने इंटरव्यू दिया है उन सभी लोगों से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है क्योंकि मैं 100% श्योर था कि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये क्वेश्चन आया भी था ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर पूछा गया है और द फुल फॉर्म ऑफ IPC ठीक है IPC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए इंडियन पेनल कोर्ट ऑप्शन बी इंडियन पुलिस कोर्ट ऑप्शन सी इंडियन पब्लिक कोर्ट एंड ऑप्शन डी इंडियन पावर कोर्ट सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए इंडियन पेनल कोर्ट ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर बंगाल डिवाइड वो कौन सा ईयर था जिस ईयर पर बंगाल को डिवाइड यानी कि हाक किया गया था ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 5th October 1905 ऑप्शन बी 5th August 1905 ऑप्शन सी 5th September 1905 ऑप्शन डी 18th September सॉरी यहाँ पर सितंबर नहीं आया है और सितंबर आना चाहिए था September 1905 सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए ठीक है 5th October 1905। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्टेड
ठीक है, कोई डिटेल मूवमेंट कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944 एंड ऑप्शन डी 1945। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1942। 1942 को क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बॉम्बे 8 अगस्त 1942, ठीक है। वो कौन सा प्लेस में क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे में, ठीक है, 8 अगस्त 1942, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आउट है क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM। GSM का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जनरल सिस्टम फॉर मोबाइल, ऑप्शन बी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ऑप्शन सी जनरल सर्विस फॉर मोबाइल एंड ऑप्शन डी ग्लोबल सर्विस फॉर मशीन। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। आउट है क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश, कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1953। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए 1915 को 1950 को प्लानिंग कमीशन स्थापित किया गया था। अब रे क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पर पूछा गया है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन है वहाँ का प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर पूछा गया है इन प्रेसिडेंट टाइम हाउ मेनी स्टेडियम, सॉरी इन प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी स्टेडियम इन असम, ठीक है, वर्तमान यानी कि अभी कितने स्टेडियम असम पर है, असम में है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 4। सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी 2, ठीक है, असम में अभी 2 स्टेडियम है, यानी कि 2 स्टेडियम है। अब क्वेश्चन नंबर 98 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर रिलीज द गोपीनाथ बोरदोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2003 एंड ऑप्शन डी 2002। सही आंसर जो होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी 2002। 2002 को गोपीनाथ बोरदोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर डेट प्रतिभा पांडे बरुआ, कौन सी ईयर में प्रतिभा पांडे बरुआ का डेट हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003 एंड ऑप्शन डी 2004। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी 2002 को प्रतिभा पांडे बरुआ डेट हुआ था। अब होता है क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर डिगबोई रिफाइनरी एस्टैब्लिश, वो कौन सी ईयर में डिगबोई रिफाइनरी स्थापित हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1820 एंड ऑप्शन डी 1830। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 1889 को डिगबोई रिफाइनरी स्थापित हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम जब नया वीडियो डालें तो आपको पहले से ही पता चले। अगर आप सरकारी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके लिए हमारा चैनल हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और ये जो मैंने आज का जो सेशन हमने दिया है आपको, इसको ध्यान से स्टडी करना, ठीक है, बिना वीडियो को स्किप किए बिना इसको ध्यान से स्टडी करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।